गाइस मेरे को ना समझ ही नहीं आता भाई, ये स्पीड ब्रेकर है कि पहाड़ है। देखना जरा, अभी आगे दो रहेंगे ना वो तो मैं अच्छे से दिखाऊंगा। मतलब ऐसा है ना, थोड़ा सा रेस दो स्पीड ब्रेकर, थोड़ा सा रेस दो स्पीड ब्रेकर, थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है यार। ये वाला देखो भाई साहब, ये देखो। खैर छोड़ो ये ब्रेकर ब्रोकर की बातें, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सैम के पास। सैम इज़ वेटिंग फॉर अस एट गुलेराम चौक। बस जैसे उसके पास पहुँचेंगे ना उसके बाद मेरे राइस स्टार्ट। तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ठीक है? और मेरे पास आ जाएगी नोटिफिकेशन। भाई साहब रोड कितनी मस्त हो रही है, सुबह सुबह खा ली यार। जय काली माँ। हम तो पहुंच गए दिलाराम, लेकिन साला सैम क्यों दिख रहा? ओह माय गॉड मैन। हाँ बाबा गुड मॉर्निंग, उठ जाया करो टाइम से। क्या टाइम से उठ जाया करो? सॉरी यार सर। चलो मैगी पॉइंट में ले। हाँ चलो चलो, वहाँ से चलना ओल्ड राजपुर से। हाँ सी स्ट्रेट ये। तो इसी के साथ हो चुकी है अपनी राइड स्टार्ट। हम जा रहे हैं मैगी पॉइंट से टू मसूरी, जो कि है यहाँ से पता नहीं कितनी दूर, थोड़ा दूर ही है, लेकिन हम लोग जाएंगे ओल्ड राजपुर रोड से। एंड गाइस मैं आपको बताऊँ, ये राइड ना इतने टाइम से प्लान कर रखा हूँ, उसमें इतने टाइम से आज जाके सक्सेस हुआ है, 3-4 हफ्ते बाद फाइनली। वही पता है कैसे, मैं तो अपना आराम से सो रखा था, मुझे फ़ोन आया रोहित का 6:22 में, यहाँ बाबा क्या कर रहे, उठ जा रहे हैं, चलो ठीक है उठ ही जाते फिर। ये कहाँ कर रहे बीच में हट जाओ भाई। कुछ भी बोलो, मज़ा तो बहुत आ रहा है यार राइड करने में। सुबह सुबह क्या माहौल है यार देहरादून का। हम बहुत खुश नसीब है जो हम देहरादून में पैदा हो रखे यार, जो हमारा होम टाउन देहरादून है। पैदा तो मतलब बहुत लोग हो जाते हैं देहरादून के हॉस्पिटल में, हम तो मतलब पैदा भी यहीं हुए हैं और हमारे घर भी यहीं पर, क्योंकि आज सो लकी मैन इंडिया सो लकी। तो मैगी पॉइंट पर जाते हैं रास्ते यहाँ से लेफ्ट, लेकिन हम नहीं जाएंगे लेफ्ट, हम जाएंगे सीधा राइट, क्योंकि हमें जिद्दी। एंड फिलहाल अभी सबसे आगे मैं ही चल रहा हूँ, दोनों के दोनों मेरे पीछे चल रहे हैं, पता नहीं क्या है, गाड़ी फैलती क्यों नहीं है लोग भाई। तो गया कहाँ? अरे गल्ला यार कहाँ चल दिया सीधा सीधा। अरे यार गल्ला कहाँ चल दिया सीधे सीधे, यहाँ जाना है यहाँ। भाई इस मोड़ पे लीन करने में इतना मजा आता है ना भाई साहब। और एक चीज़ अगर गाड़ी गिर गई ना तो टांग जाएगा सीधा, कभी जिंदगी में लीन नहीं कर पाएंगे हम। अब देखने का सैम का लीन यहाँ पे, ये देखो कैसे मार रहा भाई वो साइलेंसर टच हो रहा है, साइलेंसर टच हो रहा पूरा रोड पे। ये देखना जरा भाई, लीन गेम ऑन, लीन ऑन, लीन ऑन भाई। मेरे को तो लग रहा है सैम सुन के आ रहा था गाना लीन ऑन, वो भी रिपीट पे। किसका है वो गाना, क्या सिंगर का नाम यार? हाँ अरिजीत सिंह। बाकी फिलहाल का बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सुबह सुबह। कितना मस्त भी आ रहा सामने पहाड़ का। मैं तो हमसे पीछे थी यार, आगे कैसे आ गई? हर हर महादेव।
करता हूँ लीन, मैं कर रहा हूँ वैसे लीन, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि मेरा टायर ना मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा घिसना स्टार्ट हो गया। मुझे किसकी कॉल आ रही थी सुबह सुबह, पक्का निहाती की आ रही थी भाई मुझे कॉल सुबह। मेरे निहाती को 8 बार कॉल कर दिया लेकिन इसने उठाया नहीं भाई, क्योंकि मेरे रूम में सो रही थी ऊपर। मुझे चाहिए थे कपड़े और देखो मैं अभी क्या पहन के आ रहा था, नॉर्मल से कपड़े। लो गाइस हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन मैगी पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा खाएंगे पियेंगे हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, मैगी वैगी खा के फिर वापस निकलेंगे। 2 seconds later जब हम पहाड़ में आ रहे थे ना तो इतना मज़ा नहीं आता पहाड़ में ऊपर चलाते हुए, लेकिन जो पहाड़ से नीचे जाते ना वापस डाउन हिल भयंकर, इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना एकदम, और लीन करने में तो भाई नेक्स्ट लेवल मज़ा, नेक्स्ट लेवल। अरे भाई इसको वहाँ पे रोकना यार, इसको चलाऊंगा थोड़ी देर ना मैं, वो नहीं खाली रोड नहीं साला वाले के बाद वहाँ पे देना था चलाने के लिए। तो जी फाइनली गाइस आज हम चलाएंगे जीकी एमटी और देखते हैं फिर चला के कैसी है जी चलाएगा मेरी बुलेट। लो वाला चलाओ बुलेट हैं ओ भाई भाई पूरी जी 900 वाली फीलिंग आ रही भाई, जी 900 भाई, ये तो पूरी जी 900 मस्त है भाई। छोटी सी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट सी स्पोर्ट्स बाइक, नाइस यार, और 6 गियर में चल रही है भी। पिकअप ऐसे पकड़ रही ना भाई, ये एकदम गुल्ले चोट, मजा आ रहा था में बहुत। पब्लिक रिएक्शन दिखाओ, पब्लिक रिएक्शन ये बबुआ। बच्चे देख रहे भाई मुड़ मुड़ के, भाई साहब लेनी पड़ेगी भाई एक स्पोर्ट्स बाइक तो एक, नाइस यार मज़ा आ गया, आ गया मज़ा। ये देखो भाई एमटी वाले क्या कह रहे हैं, क्या क्या है, कंफर्टेबल लग रही है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल तो है यार हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। चलो फिर गल्ला हमारे से सही हो जाएगा, चलो गल्ला फिर मिलते हैं फिर कल।